पहचान गए होंगे, अल्फ्रेड वेगनर, जिनका जन्म 1880 में हुआ, 50 वर्ष ही जीवित रहे। 1930 में जब इनके सिद्धांत का अंतिम प्रकाशन 29 में हुआ था, उसके एक वर्ष बाद इनकी मौत हो गई, 50 वर्ष की आयु में मर गए। कारण ये था कि ये पोलर रिसर्चर थे, भूभौतिक शास्त्री थे, और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले भी, जब 6 जनवरी 1912 को अपने सिद्धांत के प्रारूप को प्रस्तुत किया, तो जल्दी जल्दी में प्रस्तुत कर लिए, क्योंकि इनको ग्रीनलैंड जाना था रिसर्च पर। अब सोचो, हमारा विज्ञान, हमारे भूगोलवेत्ता जर्मनी, रूस या अमेरिका के भूगोलवेत्ता कितने आगे थे, हम तो गुलाम थे। तो इस महान भूगोलवेत्ता ने जो कुछ प्रस्तुत किया, कुछ कमियां थी इस सिद्धांत में, जो आगे जाकर हम लोग रिफॉर्म करेंगे, और रिफॉर्म के साथ ही आज तक का सबसे व्यवहारिक और वैज्ञानिक सिद्धांत का इवोल्यूशन होगा, विकास होगा, किसका? प्लेट टेक्टोनिक थियरी का, लेकिन आधार में तो वेगनर ही है। अब देखो, ध्यान रखो कि जिस विद्वान का जितना बड़ा स्कोप होता है, क्षेत्र होता है, उसका सोच का दायरा उतना ही विस्तृत होता है। वेगनर साहब मेट्रियोलॉजिस्ट भी थे, यानी जलवायुवेत्ता थे, जियोलॉजिस्ट भी थे और जियोफिजिस्ट भी थे। एक तरह से कहा जाए कि जियोलॉजिस्ट भी थे, भूभौतिक शास्त्री भी थे, और इनमें कुछ अंश जीवाश्म वैज्ञानिक का भी था। तो इनका स्कोप काफी विस्तृत था। जीवाश्मों का अध्ययन करते थे ग्रीनलैंड में। वैसे तो देखा जाए तो पूरे विश्वव्यापी जलवायु का ये अध्ययन कर रहे थे। तो जलवायु के अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे इनके पास तथ्य आए जो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि क्या जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर ये महाद्वीपीय भाग हैं या महासागरी भाग हैं, क्या इनमें अस्थिरता है? इनके अध्ययन के दौरान एक वाकया ये हुआ कि ये कभी शुष्क क्षेत्र की तरफ भी आए एक बार, और शुष्क क्षेत्रों में जब आए तो कई क्षेत्रों में इन्होंने एक वनस्पति का अवशेष पाया जिसका नाम था ग्लासोप्टेरिस। एविडेंस के रूप में लेंगे इसको, फर्न जैसी वनस्पति थी जिसमें स्टेम काफी क्या होती है, कठोर होती है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील कई जगह पाई गई है, परमियन युग की वनस्पति थी। उनको उठाया और देखा कि इस पर जो है, इस शुष्क क्षेत्र में है, लेकिन इस पर बर्फ का प्रभाव है, किसका? आइस का। तो जब शुष्क क्षेत्र में आइस का प्रभाव है, इसका मतलब कि सदियों पहले या तो जिस जहां ये वनस्पति है वहां या तो बर्फ का जमाव रहा होगा, या तो ये पहाड़ियों पर विकसित रही होगी। तो पहाड़ियों पर स्नो लाइन के बाद ऐसी वनस्पति विकसित नहीं होती है। तो इनके दिमाग में दो बातें आ गई। नंबर एक, उन्होंने बताया क्या, उनके दिमाग में जो कुछ चला, या तो जो विश्व में पृथ्वी के ऊपर, ग्लोब के ऊपर जलवायु कटिबंध हैं, इन्हीं में परिवर्तन हो गया होगा, नंबर एक। या तो जो हमारे स्थलीय भाग हैं कभी बर्फीले क्षेत्र की तरफ थे या शुष्क क्षेत्र में आ गए, या कभी शुष्क क्षेत्र में थे तो कहीं बर्फीले क्षेत्र में आ गए। इस ग्लासोप्टेरिस के अतिरिक्त एक और इनके पास प्रमाण आया। प्रमाण ये आया कि ग्रीनलैंड में है,
जो ग्रीनलैंड के पास जो साइबेरिया वाला क्षेत्र भी है, उच्च अक्षांश की तरफ कनाडा भी है उसी अक्षांश के आसपास। तो जब ये इनके दिमाग में ये जिज्ञासाएं चल रही थी, उसी समय रूस के साइबेरियन क्षेत्र में जीवाश्मी ईंधन का पता लगाया गया, कोयला का, नॉर्वे में भी लगाया गया। जो क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, आइस कवर होता है वहां पर, वहां वनस्पतियां नहीं होती हैं, तो फिर वहां के भूगर्भ में कोयला कैसे आया? तो विश्व भर से जो सूचनाएं इनको मिल रही थी, वहां उन्होंने डिसीजन लिया कि ये विश्व के जो जलवायु कटिबंध हैं, ये तो सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, जिनमें बदलाव का कोई प्रश्न नहीं है। तो निश्चय ही इन महाद्वीपीय भागों में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। अब ये आगे की तरफ आए और विस्थापन की बात को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांत का ऑब्जेक्ट निर्धारित कर दिया। इनके ऑब्जेक्ट के पीछे एक और कारण था, जो मूलतः आरंभिक भूगोलवेत्ताओं के सामने यही था कि तृतीय काल के पर्वत कैसे आए। तृतीय काल के पर्वत कैसे आए इनके दिमाग में भी था, और इससे पूर्व सियाल सीमा की संकल्पना आ चुकी है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत की मौलिकता को स्पष्ट करते हुए दो लाइन में क्या बोला कि ये जो महाद्वीपीय सियाल हैं, प्लवनशीलता, उत्प्लावकता, फोर्स ऑफ बायोएंसी और चंद्रमा सूर्य के ज्वारी बल के कारण सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहे, अर्थात सियाल सीमा पर बिना रुकावट का तैर रहा है। सियाल बोले तो महाद्वीपी भाग, उनके अनुसार महाद्वीपी भाग जो सीमा वाला क्षेत्र है उसके ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा है। जब उत्प्लावकता है, प्लवनशीलता है, तो जैसे अभी एबी टेलर में बात हुई कि घनत्व में अंतर है, तो तैर रहा है, और जहां रुकावट आ जाती है वहां पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ये उनके सिद्धांत का कोर बिंदु था। वो तो चाहते थे तृतीय काल के पर्वतों की व्याख्या करने, लेकिन एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली गई और फिर वो चले गए महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति तक पहुंच गए। अब यहां मुझे स्पष्ट करना यह जरूरी है कि जो इनके अनुसार विस्थापन हो रहा था, उस विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला नाम लिया प्लवनशीलता या उत्प्लावकता बल, फोर्स ऑफ बायोएंसी, उत्प्लावकता बल। या प्लवनशीलता, पहले इसको समझ लो, या उत्प्लावकता। उत्प्लावकता बल या फोर्स ऑफ बायोएंसी, एक मिनट, ये क्या है? तो इस संकल्पना या उत्प्लवकता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत पहले, सदियों पहले,
ग्रीक विद्वान, आर्किमिडीज ने किया। नाम सुना होगा आर्किमिडीज, और जिज्ञासा समझ यहां आपको दिखेगी कि पहले भी मैंने बताया था कि जितने मौलिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पीएचडी नहीं किया, अनुभव किया। हमारे यहाँ उल्टा है, हम पीएचडी करने के बाद अनुभव करते हैं, और मौलिकता है कि अनुभव के बाद लिखो, हम लिखने के बाद अनुभव करते हैं। तो खैर ये विवाद का विषय। आर्किमिडीज साहब के साथ एक कहानी है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जब ग्रीक भूगोल वेत्ताओं को कराएंगे उस समय भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ये टब में नहा रहे थे, अंग्रेज थे तो नंगे बदन अपना स्नान कर रहे थे, और टब में जल था तो इन्होंने महसूस किया कि जितना दबाव ये टब के जल पर डाल रहे हैं, जल भी उतना ही दबाव डाल रहा है, ऊपर की तरफ तैर रहे हैं। इनको अनुभव हुआ और नंगे बदन पूरे शहर में दौड़ने लगे और क्या चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका, अर्थात पा लिया पा लिया पा लिया। फिर तत्कालीन शासक के सिपाहियों ने इनको पकड़ा और कोड़े वगैरह भी लगाए लेकिन बाद में पता चला कि वो जो पा लिया यूरेका चिल्लाए थे, एक बहुत बड़ा सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, नाम किया हुआ आर्किमिडीज का प्लवनशीलता का सिद्धांत, थियरी ऑफ वायवेंसी ऑफ आर्किमिडीज। इसमें क्या होता है कि इन्होंने बताया कि जैसे बर्फ के टुकड़े आप तैरते हुए देखते हैं सागर में, तो एक भाग दिखाई देता है, नौ भाग डूबा रहता है। आइसोस्टेसी में भी इसी की चर्चा करेंगे, एरी साहब में, एरी का जो सिद्धांत लेंगे एरी प्राट का, तो उत्प्लावकता बल की बात होगी। तो सीधी सी जो संकल्पना ये है कि कम घनत्व की वस्तु अधिक घनत्व वाले द्रव में क्या होगी, तैरेगी। तो इसको नाम दे दिया गया उत्प्लावकता। तो यहाँ पर जो अभी तक जो हमारे पास बात आई कि सियाल जिससे महाद्वीप बना है, इन लोगों का मानना था, और सीमा जो महासागरी नितल में है, तो सियाल का घनत्व सीमा से क्या है, कम है। यानी इनकी डेंसिटी देखा जाए तो इसको पहले भी लिया D1 और D2, तो D2 इज ग्रेटर देन D1। हालांकि ये बातें कहीं जब आएंगे PTT में, तो जो हमारा क्रस्टल पार्ट है एस्थेनोस्फेरिक पार्ट पर तैर रहा है, तो क्रस्टल पार्ट का अधिकतम घनत्व तो कितना बताया था, 3.3 भूपरपट्टी का आंतरिक संरचना में, और जो एस्थेनोस्फेरिक पार्ट है 4 से अधिक है, तो इसके कारण ये तैर रहा है। तो पहला जो कारक इनका था प्लवनशीलता या उत्प्लावकता बल, दूसरा ज्वारी बल और गुरुत्व बल। तो ज्वारी बल किसका है, चंद्रमा या तथा सूर्य का, प्रवाह की दिशा कैसे नियंत्रित हो रही है, तो उसमें पृथ्वी की घूर्णन गति भी क्या कर रही है, प्रभावशाली है। तो कैसे हो रही है, देखो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, अब ध्यान दो यहां पर बेसिक, और उन्होंने बताया कि द्वीप पश्चिम की तरह जा रहे हैं, तो जब ऐसे घूम रही है तो स्थलीय भाग इसका साथ नहीं दे पाते और धीरे धीरे पश्चिम की तरफ चलते हैं। अब प्रश्न है कि ज्वारी बल कैसे इस पर काम करेगा, तो आप ध्यान दो, एक सामान्य सा तथ्य, जिज्ञासा है तो सब कुछ है, किताबों में जो लिखा है या नहीं लिखा वो बात दूसरी, आप खुद समझो। आप अपने घर पर हो, कहीं भी हो, बचपन से लेकर लास्ट तक सूर्य और चंद्रमा किस दिशा में गति करते हैं, पृथ्वी पर या भारत में कहीं भी आप खड़े हो, पूरब से निकलते हैं, दक्षिण होते हुए पश्चिम में चले जाते हैं। और पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे पृथ्वी ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहे हैं, तो ज्वारी बल इसके विपरीत दिशा में लगा। ये छोटे छोटे तथ्य जो घर में बैठकर वातावरण में हम देखते हैं, कभी देखा कि सूर्य या चंद्रमा हमें उत्तर दिशा में दिखते हैं, नहीं, पूरब से निकले, लेफ्ट से अगर दक्षिण की तरफ मुख हमने किया, ऐसे आया, सामने आया तो दोपहर, फिर शाम हो गई। तो ये उनकी सापेक्षिक स्थिति इस इधर की तरफ है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो घूर्णन गति के कारण ये पश्चिम की तरफ जा रहे हैं।
तो ये तीन कारक बताया, उत्प्लावकता बल, ज्वारी बल और पृथ्वी की घूर्णन। ज्वारी बल के साथ साथ हम वो गुरुत्व वाला भी टर्म्स हम क्या करेंगे, लेके, तो प्रवाह हो रहा है। अब इतनी सारी बातों को बताने के बाद जब सब कुछ चल रहा था तो वेगनर साहब ने इस सारे जो इनके मत थे, मत के कि जो मूल संकल्पनाएं थी उनको प्रतिपादित करते करते एक किताब की रचना की। किताब का शीर्षक था डाई इंस्टंगे हुंग डर कॉन्टिनेंटे एंड ओजोन, यानी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड द ओशन। क्या नाम था किताब का? डाई डाई इंस्टेहुंग डर कॉन्टिनेंटे उंड, ऐसे लिखे वेगनर साहब की जो विचार थे उनको, विचारों को समाहित करते हुए, अपने विचारों को समाहित करने करते हुए एक पुस्तक की रचना की जर्मन भाषा में, जिसका प्रथम प्रकाशन, प्रथम एडिशन जो है 1915 में आया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये पब्लिश नहीं हो पाया। मतलब कि पब्लिकली इस कहने का मतलब लोग जान नहीं पाए, जिसका शीर्षक क्या था, डाई इंस्टुंग डर कॉन्टिनेंटे उंड ओजेने, जिसका 1923-24 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अब इसका जो अंतिम प्रकाशन है, अंतिम एडिशन जो इस पुस्तक का है 1929 में आया, जो भी संशोधन किया इन्होंने। और जैसा कि आपने देखा कि वेगनर साहब 1930 में इस दुनिया को छोड़ गए। तो ये मौलिक है कुछ। अब देखो, वेगनर साहब ने अपने सिद्धांत की शुरुआत कब की, इस सिद्धांत की क्रियाविधि हम लेंगे। तो वेगनर साहब ने बताया कि आज से 30-35 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस कल्प में ये प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। इससे पूर्व प्री कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या है कि ये संपूर्ण जो भूभाग हैं, अभी आप देखेंगे, संपूर्ण जो भूभाग हैं, कहने का मतलब जितने ये विखंडित 7 महाद्वीप हैं, एकीकृत महाभूखंड के रूप में थे, एकीकृत महाभूखंड के रूप में थे। और उस महाभूखंड या सुपर कॉन्टिनेंट को जर्मन भाषा में वेगनर साहब ने नाम दिया पेंजिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि ये क्या है, पेंजिया है, ये पेंजिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, पेंजिया, ये क्या है, पेंजिया। पेंजिया का मतलब होता है एकीकृत महाभूखंड, होल अर्थ या सुपर कॉन्टिनेंट। और ये एक विशाल जलीय भाग से घिरा हुआ है, जिसका नाम दिया गया, इन्होंने नाम दिया पेंथालासा, मतलब लार्जेस्ट वाटर बॉडी। अभी सुन ले, फिर आगे हम बात करते हैं, समझाने के बाद एक अपना डायग्राम हम लेंगे। तो इन्होंने अपनी परिकल्पना की शुरुआत कार्बोनिफेरस कल्प से की। बताया कार्बोनिफेरस कल्प से पूर्व जो ये विखंडित महाद्वीप हैं, जो आज ये विखंडित महाद्वीपीय भाग है, ये एकीकृत महाभूखंड के रूप में थे, जिसे पेंजिया कहा गया। और ये पेंजिया
एक विशाल जलीय भाग से या जलीय तंत्र से घिरा हुआ था, जिसे नाम दिया इन्होंने पैंथालासा। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल के कारण, बेसिकली चंद्रमा के ज्वारीय बल के प्रभाव के कारण, कार्बोनिफेरस महाकल्प में पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग को लरेशिया नाम दिया गया, जिसका स्पष्ट विश्लेषण एडवर्ड स्वेस ने किया, और दक्षिणी भाग को नाम सॉरी पेंजिया का विभाजन हुआ तो क्या बना, लॉरेशिया। उत्तरी भाग लॉरेशिया, लॉरेशिया किसके नाम पर, इसके नाम पर क्या है, लॉरेशिया का पठार है, कहां पर है, कनाडा में, मैपिंग के अंतर्गत लेंगे, जिसका स्पर्श जो विवरण दिया वो लिया जिगलर साहब ने। किसने, जिगलर साहब ने, नोट्स में ये नाम मिल जाएगा। दक्षिणी भाग को गोंडवाना नाम दिया गया, तो गोंडवाना टर्म शब्दावली का उपयोग बहुत पहले मेडलिकॉट ने कर दिया था। 1872 ईस्वी में मेडलिकॉट नामक एक भूगर्भ शास्त्री थे, तो हमारे यहाँ की गोंड जनजाति क्षेत्रों का विवरण किया तो उसका नाम गोंडवाना रखा। बाद में स्वेस साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के संदर्भ में इसका उपयोग करवाया, तो गोंडवाना। और बीच में एक सागर बना जिसका नाम रखा गया टेथिस सागर। फिर वेगनर साहब ने बताया कि प्रक्रिया चलती रही, और जैसे जुरैसिक कल्प आया फिर लॉरेशिया और गोंडवाना का विभाजन हो गया, रीडिसइंटीग्रेशन हुआ पेंजिया का। उत्तरी अमेरिका से सॉरी जो लॉरेशिया था उससे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, हिमालय से उत्तर का यूरेशिया, और बाद में ग्रीनलैंड का विकास हुआ। जहां तक प्रश्न गोंडवाना का है, ये बड़ा था तो इससे जो विखंडन हुआ जुरैसिक में, इससे साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना, प्रायद्वीपीय भारत बना, ऑस्ट्रेलिया बना, और जनशून्य महाद्वीप अंटार्कटिका बना, इसके विखंडन के कारण। और ये प्रवाह की प्रवृत्तियां चलती रही, विखंडन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ज्वारी बल लग रहा है, अंततः आज से 25 लाख वर्ष पूर्व प्लियोसीन कल्प में सॉरी प्लियोसीन युग में शिवालिक का जहां निर्माण हो रहा है, और निर्माण का जैसे अंत होता है ये महाद्वीप और महासागर अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। तो वेगनर के अनुसार इस प्रकार के महाद्वीपीय विस्थापन के कारण वर्तमान महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हो गई। क्लियर। अब थोड़ी सी, जैसे आप ये देख रहे हो ये उनके अनुसार ये पेंजिया ऐसे था, ये प्री कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में विभाजन शुरू हुआ तो पहले ये विभाजन, फिर इस तरह से लॉरेशिया गोंडवाना बना, फिर इसके बाद ये विभाजन और वर्तमान का स्वरूप ये आ गया। आने वाले दिनों में विद्वानों का मानना है कि फिर ये आपस में मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है और जो गति हो रही है कुछ करोड़ वर्ष में ये आपस में जाकर फिर मिल जाएंगे, तो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया क्या होगा, निर्मित हो जाएगा, लेकिन इसका स्वरूप अलग हो सकता है। तो वेगनर साहब ने ये बातें कही।